अस्सलाम वालेकुम, कुक विद नसरीन चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं सिखाऊंगी आपको पकौड़े बनाने की रेसिपी। आपको सिखा रही हूँ पकौड़े बनाने की रेसिपी। बारिश का मौसम और पकौड़े ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमने लिया है एक पाव बेसन, मैंने लिया थोड़ा सा हरा धनिया, दो अदद प्याज बारीक काट लें, एक चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा, दो चम्मच हरी मिर्च बारीक काट लें, नमक हसबे जायका, एक चम्मच सूखा धनिया, एक चुटकी हमने लिया है मीठा सोडा। हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें हरा धनिया, सूखा धनिया, मीठा सोडा, हरी मिर्च, कुटी लाल मिर्चें, जीरा और नमक आप हसबे जायका डाल सकते हैं। मसाले शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस तरह से। मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करें, अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। पहले अच्छा सा गाढ़ा सा आप इसका बैटर तैयार करें। आप देख सकते हैं हमारा अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर तैयार हो चुका है पकौड़ों के लिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। आप देख सकते हैं हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। हमने ऑयल डाल दिया था इसमें 1 कप, अब वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से हम पकौड़े इसमें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं हमने गोल्डन हो, एक तरफ हम गोल्डन हो चुके हैं। आप इसको हल्की आंच पे पकाएं ताकि कच्चे ना रहें। आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमने पकौड़े डिश आउट कर लिए और बारिश के मौसम में आप गरम गरम पकौड़े एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।